मैं विशेष कर इन केसर ग्रुप कमेटी रे बैनर तले जो आज वो कार्यक्रम हो रियो है, मने बड़ी खुशी है कि एक पांच आदमी जो एक सिंपल परिवार में निकल एक ऐडी अलग जगह जो को पूरा राजस्थान रे में गांव गांव में एक ऐडो संगठन खड़ो करियो कि उन संगठन री बदौलत आज केसर ग्रुप कमेटी राजस्थान जिन्ने कर कमलों आप सबने मैं आप चीज विशेष कर निर्वास्ते कहने चाहूँ मैं आप सब रो थोड़ा टाइम लूँ ला एक पाँच दस मिनट कि आप सबने मालूम वेला कि सबू पहला जितना भी पाबू जी रा देव रहा अपने सबरे गाँव रे मैंने जो को कि सब चौंतरा टाइप था तो उन्होंने जीर्णोद्वार जो को भी काम करियो है उन्नी शुरुआत इन केसर ग्रुप कमेटी रा जो को पाँच हाथ आदमी दिखे है नी वारीज बदौलत है जको आज जगह जगह पाबू जी रा मिंदर बनियुड़ा है और उठे सुबह और शाम आरतियों में इन वास्ते इन केसर ग्रुप कमेटी ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। दूजी बात केसर ग्रुप कमेटी ने एक ऐडो संगठन खड़ो करियो हर गांव में आपरी तरफ हूँ कि काल रदन कट्ठे भी कोई काम काज पड़े उदाहरण तौर माते अपने माँ कुमनीज ले लो केसर ग्रुप कमेटी आप रे हम गुमान जी पाल भूकू विराजमान है वारो एक सपनो हो कि अपने महाकुंभ करनो तो सबू पहला वे सपनो मन में संजोयो और पचन और मन में विचार आयो कि भाई बगैर युवा शक्ति वो काम पार वेणो नहीं है क्योंकि बड़ा बुजुर्ग लोग तो किता दौड़ सके जन आप है जो इन केसर ग्रुप कमेटी रा बाबूलाल जी बाटेड़ा जी हड़मान जी पाल जितना भी पांच सात सदस्य हवा ने बुलाया वह सलाह ली कि भाई वो एक काम करना है रो कि सपनों है समाज रो देश आजाद भी और बाद में भी आज तक अपन एड़ो मेड़ो नहीं भी और छत्तीसी कौम हर जगह बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर रही है तो अपे भी वो कार्यक्रम करो तो कि कर रहे हैं तो आज को कमेटी है आप जगह जगह संस्थाओं है उन संस्थाओं कॉन्टेक्ट कर और वह है जो करे सलाह और विचार विमर्श करना आपने कियो का आप तो बीड़ो उठाओ और मैं थारे हाथे तन मन धनु हो और आप सबरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पांचों हाथ लाख री भीड़ रबारी समाज अपनी संस्कृति रे मैंने पूरा जोधपुर में भेड़ो भीयो और आप रो लोहो मनवायो जो को पूरा हिंदुस्तान देखियो तो इन केसर ग्रुप कमेटी रो अपने सपोर्ट करनो है। देखो आध्यात्मिक अलग के लोग जगह ही जितना भी देव रहा जो चौंतरा हा वे मिंदर बनगा। अब मारी भावना है मैं जबकि हैदराबाद में आया हूँ आज मैं एक तरीके से प्रवासी हूँ अठे मारो जलम है उठे भी बहुत बड़ो कार्यक्रम है इन्हीं संस्था री कई उठे संस्थाओं है जो को वे कार्यक्रम करावे पाबू जी जागण दे रहा है आज मारे उठे भी जागण है जबकि मैं वहां बिना बोली अट आया हूँ कि मारो बहुत ज्यादा आग्रह था और बड़ो प्रेम आग्रह था। तो मारो अब केसर गुरु कमेटी में एक ही निवेदन है कि जैसे बाब जी आपने आज 10 बीघा जमीन देन शुरुआत कर दी है तो जो अलग आपने आध्यात्मिक चलाई अब आप शिक्षा की तरफ ध्यान दे एक ऐडी अलग जगह हो कि राई का समाज के अंदर कोई भी बच्चा बच्ची माता पिता आने वाले समय में अशिक्षित नहीं रहे क्योंकि शिक्षा का जमाना है और मुझे पूरा भरोसा है मने पूरा विश्वास है कि अगर केसर ग्रुप कमेटी कोई बीड़ो उठावेला तो वो 100% पार पड़ेला क्योंकि अरे हाथे युवा जुड़ा है और ये युवा भाई जो को ठाने वो काम है 100% पार वे। तो मारो बस एक ही निवेदन है केसर ग्रुप कमेटी हूँ भाई साहब हड़मान जी ओम जी आप सब बिराजिया हो बाबू जी क्या बने शिक्षा की तरफ थोड़ी अलग जगह ही जो और आप रे हाथे आप पूरी समाज है और आपने पूरा सहयोग करेला आप लोगों की हार्दिक भावना है कहें कि भाई केसर ग्रुप कमेटी अब शिक्षा की तरफ ध्यान दे अगर हार्दिक इच्छा है तो हाथ ऊंचा कर जो दिलू कर जो भाई अपने मिंदर बनगा सब कुछ होगा अब इन ग्रुप ने गांव गांव संगठन बनाना है आने वाले समय में आप रहा संस्था रजिस्ट्रेशन वही गुरु महाराज जमी दिए तो वह जमी संस्था नाम माते अगर रजिस्ट्री करावनी है तो इन संस्था ने रजिस्टर्ड करानी पड़ी तो जगह जगह अब आप सब अगर इनारो साथ दौला तो मने पूरा विश्वास है आने वाला 5 साल में आपने बहुत ही बड़ो परिणाम
इन शिक्षा के क्षेत्र में केसर ग्रुप कमेटी तरफ मिलल क्योंकि 5-10 सालों में जो ये आपकी तरफ जो अलग जगह ही और जिन तरीकों युवाओं ने जोड़िया है तो मैं पूरा विश्वास रात कह सकूं कि इन शिक्षा में ने भी ये है जो जरूर सफल वेला और अपनी समाज ने एक तरीका और मार्गदर्शक के रूप में ये पहचाना जावेला। बस इतनी बात कह मैं हमारी वाणी ने समाप्त करूँ। आप सब सुनिया, आप सब पधारिया और इतो बड़ो कार्यक्रम करियो और आप सब अटे सहयोग दियो, उन वास्ते आप सब रो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केवल जी।